पैर भी टूट गया, सर पे भी चोट लगी है। अच्छा ब्लड सर से निकला है इनके। यहाँ लग रहा है कोई गंदा ही एक्सीडेंट हो गया यार। ओहो है भैया, क्या हुआ है? अच्छा वो ब्लड निकला हुआ है जो। ओहो पैर भी टूट गया, सर पे भी चोट लगी है। इस पर थे, टोपी वाला हेलमेट पहना हुआ है। गाड़ी चढ़ी है, अच्छा बाइक इस पे गिर गई पैर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, हेलमेट भी टोपी वाला था ना यार, ये चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। अब वो हेलमेट ये वाला पहना हुआ था ना हल्का। एम्बुलेंस कर दी अभी कॉल? अच्छा ब्लड सर से निकला है इनके। एम्बुलेंस तो आगे चली गई यार, एम्बुलेंस दो चली गई लेकिन रुक ही नहीं रही यार। यार इतने मेन चौक पर एक्सीडेंट है, अभी तक एम्बुलेंस ही नहीं आ रही। हद हो गई यार, अभी तक एम्बुलेंस ही नहीं आ रही, हद हो गई यार। दो बार चक्कर काट गया एम्बुलेंस वाला, उसको यहाँ पे दिख नहीं रही भीड़। दो चक्कर तो लगा गए ये। चलो छोड़ो आप, अभी इन्हें जाने दो, कोई बात नहीं। मेन इधर लगी है ना, हाँ। एम्बुलेंस का नंबर ले लेना। हद है यार, सीरियसली हद है भाई। एम्बुलेंस वाले को ये पड़ी है, कौन सा थाने लगता है, क्या है, ड्रामेबाजी कर रहे हैं यार। कितना मतलब बंदा इतनी दर्द में यार, कैसे शहर है वो यार। ये लोग समझते नहीं है बस इस बात को यार। हद है यार इन लोगों की, सीरियसली भाई। पहले हॉस्पिटल तो ले जाओ जो भी नियर बाय है, सब कुछ पता चल जाता है कौन सा थाना है, क्या है, क्या करना है। पहले जो इमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए पहले वो तो करा दो यार। बंदा से चीखे मार रहा है यार, सीरियसली मैन, कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। जिसके लगी हुई है उससे पूछो इस टाइम वो मतलब क्या थाना सोच रहा होगा और क्या सोच रहा होगा यार। बल्कि पुलिस वाले भैया बोल रहे हैं उनको कि यार तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कौन सा थाना पड़ रहा है, ये जहाँ पर एक्सीडेंट है क्या है। तो एम्बुलेंस वाला कह रहा है हमें इससे मतलब नहीं होता। तो अगर मतलब नहीं होता तो जो आपका मतलब है वो तो पूरा करो, बंदे को हॉस्पिटल तो पहुँचाओ यार। हमें हर बार ही लग जाता है सिर्फ पुलिस के ये पुलिस वो यार, वो मतलब उनको लग रहा है कि यार कितना पेन हो रहा है, पहले उनको हॉस्पिटल ले जाओ। वो बंदा कह रहा है पहले थाना बताओ यहाँ का कौन सा लगेगा, क्या लगेगा। बट ठीक है, सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पूरी, लेकिन फर्स्ट तो ये है ना कि आप पहले उनको हॉस्पिटल ले जाओ। भाई अंकल जी ने जो हेलमेट पहना था ना वो था टोपी वाला हेलमेट, समझ रहे हो ना, वो जो गोल सा ऐसे ही होता है, बस चलान से बचना है तो पहन लिया। ये काम मत करा करो यार, सेफ्टी फर्स्ट। अब देख लिया सर पे चोट है, पैर पे चोट है, लापरवाही से कुछ भी हो सकता है यार। ये तो चलो मैं कह रहा हूँ भगवान का बहुत शुक्र है कि उनको पैर पे चोट है, चलो जैसे मर्जी करके ठीक हो जाएंगे। यही अगर सर के अंदर ज़्यादा चोट आ जाए तो यार फिर आप लोग समझते ही हो यार। ये देखकर ना सब अपनी चीज़ें याद आ जाती है, अपने साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है यार, बहुत मेजर हुआ है। लेकिन उस टाइम में ना मन में यही चल रहा होता कि किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुँच जाए, कुछ ना कुछ तो अपने लिए ट्रीटमेंट हो जाए। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इसीलिए बोला है कि हेलमेट अच्छा वेयर करा करो, कुछ नहीं रखा ये छोटे से हेलमेट में, दिखावे के हेलमेट में, चलान से बच जाएंगे, जान को बचाना जरूरी है यार। वैसे मैं देखता हूँ कई लोग ना आजकल एग्जॉर वगैरह तो नॉर्मली वेयर करके जा रहे होते हैं, कहीं जॉब पे जा रहे एग्जॉर वेयर कर रहा, बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब सेफ्टी भी है, लुक भी है, सब कुछ है। और ये 100-100 रुपए वाले हेलमेट, 200 वाले हेलमेट ना किसी काम के नहीं होते। जब बाय चांस गलती से बाइक स्लिप हो जाए, स्कूटी स्लिप हो जाए ना, ये हेलमेट किसी काम नहीं आते। तो हमेशा अच्छे गैजेट्स यूज़ करो, अच्छे हेलमेट, अच्छे गियर्स यूज़ करो, और राइडिंग जैकेट तक भी मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि पहना करो यार। और ये वाला जो वेदर है ना सर्दियों में, इसमें तो वैसे ही किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, राइडिंग जैकेट वेयर करोगे उल्टा कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि आपने देख ही लिया रोड तो मतलब फिर यार कुछ भी हो सकता है रोड पर निकल रहे हो। अपनी तरफ से सेफ्टी तो देख सकते हैं ना, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है।
तो मुझे लग रहा था एक मैसेज है, एक चीज है आप लोगों को दिखा देनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको अपने मेन वीडियो में से अलग पार्ट करके छोटी सी वीडियो अपलोड कर दी है, ताकि बहुत सारे लोगों को देखकर समझ आती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलो अभी मैं इतना ही रखता हूँ, फिलहाल मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग मेरा चल ही रहा था, ये तो मैंने अलग से पार्ट निकाल के ना आपके लिए अपलोड कर दिया, वैसे ये व्लॉग में था बट वो मैं अलग अपलोड करूंगा, कल आप देख लेना। तो अभी इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।